अवॉइड कर दो। आपने आज देखा पुलिस ने किस तरह से आपको हेलमेट दिया है, जागरूकता चला रही पुलिस का, ये रूप आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा कि पुलिस यातायात की तरफ बहुत जागरूक है और लोगों को जागरूक कर रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मैम को कि वो हमें जागरूक कर रही हैं, और आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूँगी कि मैं हमेशा हेलमेट लगा के चलूँ और यातायात के नियमों का पालन करूँ। हमेशा देखने को आता है कि महिलाएं होती हैं वो थोड़ा हेलमेट वगैरह का परहेज करती नहीं चलती है, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से पुरुषों की क्या महिलाओं को हेलमेट लगाना चाहिए? हाँ, ज़रूर लगाना चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है, इसमें तो दोनों को लगाना चाहिए क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही। और इस पहल से आप आगे क्या करेंगे? हमेशा हेलमेट लगाएंगे? हमेशा लगाएंगे, जागरूक करूँगी। सर, आज पुलिस का एक नया चेहरा देखने मिला है, जो लोग यातायात में बगैर हेलमेट चल रहे थे उनको गुलाब का फूल देकर हेलमेट दिया जा रहा है, पुलिस किस तरीके का संदेश देना चाह रही है? ये कोई पुलिस का नया चेहरा नहीं है, पुलिस भी एक मानव है, पुलिस भी इंसान है, कानून का पालन कराना हमारी मजबूरी है, हमारा दायित्व तो है। कानून, जनता, सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, इसी के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कल 1 नवंबर से यातायात माह का, जागरण माह का प्रारंभ किया जा रहा है। उसी की पूर्व संध्या पर आज हम लोगों द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा, जो नागरिक हेलमेट नहीं खरीद पा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन पा रहे हैं, उनमें से गरीब लोगों को जो हेलमेट खरीदने की आर्थिक स्थिति में नहीं है या कुछ और चाह रहे हैं, उन्हें हेलमेट दिया गया है निःशुल्क, और जो लोग हेलमेट के बिना चल रहे थे उन्हें फूल देकर जागरूक करते हुए कहा गया कि भविष्य में हेलमेट अवश्य पहने। हेलमेट नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही है, इससे दुर्घटना में शारीरिक क्षति होने की कम संभावनाएं रहती है, इसलिए हम लोग नागरिकों को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम चला रहे हैं।